हाँ तो हेलो, वेलकम टू स्टार्ट सुजीत। तो भाई आया है नोनी कक्कर का नया गाना जिसका नाम है बूटी शेक। जी हाँ, बूटी शेक। और तुम इस गाने में बूटी को गांड समझ लो, क्योंकि इस वीडियो में सभी जगह सिर्फ एक ही चीज शेक कर रहा है और वो है गांड। अब मुझे नहीं पता कि ये गांड शेक करने से क्या होता है, पर मुझे इतना जरूर पता है कि ये गाना टोनी कक्कर के पुराने गाने से भी 100 बवासीर है, मतलब 100 गुना से भी ज्यादा बवासीर है। तो चलो इस बूटी शेक को अश्लील नजरों से देखते हैं और शुरू करते हैं अपनी मजदूरी बिना किसी बकचोदी के। तो भाई ये गाने की शुरुआत होती है अपने नोनी कक्कर से, जिसमें बैकग्राउंड में एक लड़की गाती है, अरे मोरी सैया पकड़ो ना मेरी भैया, ले लो मोरी बलैया। अब आगे तुम देखो, मैं आके बोला तू बोल बीचे 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 तेरी गाड़ी के पीछे पीछे हंजे पीछे वाली सीट पे। मैं आगे बोला तो तू बोली पीछे 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 तेरी गाड़ी के पीछे पीछे हांजी पीछे वाली सीट पे। अरे कहना क्या चाहते हो? तेरी बहन की जांट में लौड़ा। भाई कोई मेरे कान में लौड़ा डालो, मेरा मतलब रुई डालो, क्योंकि ऐसे लिरिक्स सुनने से अच्छा मेरे कान का लौड़ा लग जाए वो ठीक है। चला मजाक बना के रखा है, ऐसा कौन सा गाना होता है भाई? तेरी कार की सीट पे, खाली खाली सीट पे, प्यार मोहब्बत करेंगे बेबी, करेंगे बराबर। ये तो दूसरा गाना है। अच्छा, तालिया बहनचोद, क्या अद्भुत बोला है ना कि ये दूसरा वाला गाना है, जैसे कि हमको पता ही नहीं था। अरे भोसड़ी वालों, जब इनको गाने की लिरिक्स नहीं मिलेगी तो अपने दूसरे गाने की ही लिरिक्स उठाएंगे ना, नहीं तो तुम ही बताओ कैसे बनेगा ऐसा 4 मिनट का गाना। धत जो नहीं होना था वही है, मतलब इस गाने को सुनकर कान के भी गांड फट जाए। और भोसड़ी के जितना नोनी कक्कर के गाने में रंगों का प्रयोग किया जाता है ना, चला उतने रंग का मूत नहीं होते हैं, मतलब कतई नोनी भाई रंगों की गांड मार लेते हैं। चला इनके गाने इतने कलरफुल होते हैं कि अंधा भी देख ले इनकी वीडियो। और ये क्या है? मतलब माही चोत के मानेंगे क्या? गाने की भाई, गाने की। चला नोनी भाई ने 10 बार बूटी से एक बोला और इन्होंने 10 बार गांड हिलाया। मतलब मैंने तुमको क्या बोला था कि यहाँ गांड का मतलब बूटी है, और इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी लगा के गाना बनाना, ताकि किसी को समझ भी ना आए और नोनी भाई का काम भी हो जाए। नहीं नहीं ये देखो, जहाँ पे मुजरा चल रहा है ना वो एक स्कूल है, और ये मैडम बनी है टीचर, और तुम स्टूडेंट्स को देख लो, साले ये लोग गांड हिला रहे हैं मैडम के गाने पे। और अब टोनी भाई का मुझे नहीं पता कि वो क्या बने हैं, पर जो भी है तुम मुझे बताओ कि ये सब स्कूल में कैसे हो सकता है। अब मुझे कितने लोग बोलेंगे कि भाई ये सिर्फ गाना है, तू सीरियसली मत ले। तो भाई तुम लोग भी सुनो, ये भी सिर्फ एक रोस्ट है। कौन कहता है कि गांड हिला के पैसा नहीं कमा सकते हैं? एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है। हाँ वो बात अलग है कि उसके लिए तुमको डांस आनी चाहिए या फिर इसकी जैसी गांड होनी चाहिए, और वो भी सिर्फ लड़कियों के लिए है। क्योंकि तुम ही मुझे बताओ, अगर कोई लौंडा यहाँ पे ऐसे गांड हिलाता तो क्या तुम देखते? नहीं ना। और ऊपर से तुम लोग उस लौंडे को कहते ये तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा। गाने में कलर देख रहे हो भानु प्रताप, काला रंग फेक मादरचोद। अब तुम लोग पूछोगे कि तुमने भानु प्रताप से ये काला रंग क्यों फिकवाया? क्योंकि ये टोटका है दोस्तों, ताकि नोनी भाई आगे से ऐसा गाना ना बना पाए। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? भैया नु मोरी जाए, ले लो मेरी बलैया। चल अगर मैं इस लड़की की जगह होता ना तो भौकाल के नवीन सिकेरा को बुलाकर इसको गोली मरवाता, और इसको तो तुम जानते ही होगे, ये वही है। हाँ हाँ सही समझे, अब समझे, समझ गए ना? हाँ, क्योंकि शेख लोग सिर्फ सूखी गांड की नशा करती है, और ये बात नोनी भाई को अच्छे से पता है, क्योंकि उन्होंने राउंड टू हेल की आईपीएल वाली वीडियो देख रखी है, और शायद तुमने भी देख रखा होगा। लगता है नोनी भाई भी सुखी गांड का नशा करना स्टार्ट कर दिए हैं, तभी उन्होंने एक पूरा गाना गांड पे ही बना दिया। मैंने तुमको पहले ही बताया था कि ऐसा ही चलता रहा ना तो वो दिन दूर नहीं जब नोनी भाई लौड़े पे गाना बना देंगे। हालांकि इन्होंने लौड़े पे नहीं बनाया, पर इन्होंने गांड पे तो बना दिया। देख लो तुम लोग बहुत पास आ गई, तो अभी भी वक्त है तुम भी इन्हें भानु प्रताप की तरह बायकॉट करो, जैसे मेरा भानु प्रताप करता है। ये देखो भानु प्रताप। अरे भोसड़ी की, 50 बार बोला है कि सिर्फ खून की उल्टी करनी है, पर तेरे गांड में चलो काट रहे हैं, उल्टी करेगा कि गांड? Ha 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 ha!
हाँ तो गाइस आज की मतलब ये खत्म करते हैं। ऑडियो वीडियो सिर्फ एक मजाक थी तो मजाक की तरह ही लेना। बाकी अगर तुमको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट में मुझे बताओ कि वीडियो का बेस्ट पार्ट कौन सा था। और कमेंट जरूर करना, तभी तो तुम्हारे भाई की वीडियो चलेगी। बाकी मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में दूरी में। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बाय। विनोद, बहुत लोग बोल रहे हैं कि गाना बहुत अच्छा है और सुशासन का गाना है, लौड़े का गाना है। ये लड़का है।